नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए जो WSL का वीडियो अधूरा रह गया था, जिसमें 30 क्वेश्चन ही थे, उसको कंप्लीट करने के लिए ये कंप्लीट वीडियो है। इसमें बाकी 70 क्वेश्चन हैं, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, रिपीटेड हो सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखते रहिए। स्टार्ट करते हैं 31 क्वेश्चन से। इनमें से पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस कोज पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। कौन सा वायरस पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस कोज करेगा? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी। इसका राइट आंसर हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी होता है जो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस कोज करता है। हेपेटाइटिस बी को हम सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं, तो हेपेटाइटिस सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाई ए पेशेंट विद बैक एक शुड अलर्ट द नर्स। कोई पेशेंट है जिसको कि बैक एक हो रहा है, तो कौन सी स्टेटमेंट है पेशेंट की कि जो नर्स को अलर्ट कर देगी इसकी पेशेंट को? कौन सी फॉलोइंग ऑप्शंस दिखेंगे 32 का? तो पेन ऑन मूवमेंट, पेन रेडिटिंग लेग, पेरिनियल एनास्थीसिया और पेन सेशन लॉस्ट इन फीट। इनमें से कौन सी कंडीशन है जो नर्स को अलर्ट करती है कि जब पेशेंट बोलता है कि बैक एक हो रहा है उसे, तो जो पेरिनियल एनिस्थीसिया है इसका वो आंसर होगा, क्योंकि पेरिनियल एनिस्थीसिया के बाद आप उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है रिमोट की पेन होना। इसके बाद 33 क्वेश्चंस। इन इंडिया प्रेजेंट इन्फेंट मोर्टलिटी रेट अराउंड, तो इन्फेंट की मोर्टलिटी रेट पूछा उसने कितनी के अराउंड है, तो इसमें इसका आंसर होगा 39 अराउंड। ड्रग विच इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेड इंजरी, तो मॉर्फिन, एंटीबायोटिक, आइप्रूड, ऑक्सीजन। तो मॉर्फिन होगा, क्योंकि मॉर्फिन क्या करेगी कि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में ओपोइड ड्रग है तो सेडेटिव का काम भी करेगी, तो ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन नहीं होने देगी, इसलिए मॉर्फिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है हेड इंजरी में। 35 का, द नर्स एक्सप्लेन टू द मदर ऑफ इन यूनिट डायग्नोस विस एर्थ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस दैट द एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन नेसेसरी टू प्रिवेंट डैमेज टू। कोई पेशेंट है, मदर का यूनिट है जिसको कि हम एर्थ्रोब्लास्टिस फेटालिस हुआ है, तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे किसको डैमेज से रोकना है? इसके ऑप्शंस हैं ए लीवर, बी लंग्स, सी किडनी और डी ब्रेन। तो मोस्ट जो सेंसिटिव होगा वो होगा ब्रेन, तो ब्रेन को डैमेज से बचाना है, क्योंकि रिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा तो नेक्रोसिस हो जाएगा टिश्यू का, जिससे कि न्यूरोलॉजिकल सेटअप बिगड़ जाएगा, यानी कि डिसओरिएंटेड हो जाएगा, इसलिए हम ब्रेन को बचाएंगे। 36, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। ट्विन्स प्रेगनेंसी के सारे कॉम्प्लिकेशन है, सिर्फ एक को छोड़ गए, एबोर्सन, पोस्ट मेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन। एबोर्सन भी हो सकता है, LBW हो सकता है, क्योंकि एक बेबी इसमें हाइपो हाइपोवोरिमा सिंड्रोम चलता है, ट्विन्स ट्विन सिंड्रोम, उसकी वजह से, और कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन पोस्ट मेच्योरिटी नहीं होगी इसमें। तो क्या है कि अर्ली हो सकता है, मतलब प्री टर्म बेबी हो सकता है, पोस्ट टर्म नहीं होगा इन्होंने वाला, ट्विन्स ट्विन्स सिंड्रोम हो सकता है। बाकी तो ट्विन्स प्रेगनेंसी में पोस्ट मेच्योरिटी नहीं होगी, इसमें प्री टर्म बेबी होगा। 37 क्वेश्चन। नर्स कैरिंग ए हाई रिस्क प्रेगनेंट लेडी विथ हार्ट डिजीज मोस्ट नो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाल्व रिलीजन कॉज डेथ ड्यूरिंग लेबर। इसमें जो आपको कोई लेडी, उसको हार्ट डिजीज है, तो उसके डेथ हो जाती है ड्यूरिंग लेबर, तो किसके काम कारण से होती है? वो होती है मिट्टल स्टोनिसिस के कारण से, जबकि आपको टारगेट हाई बुक में ओटोनिक स्टोनिसिस देखने को मिलेगा। टारगेट हाई के अकॉर्डिंग इसका आंसर ए होना चाहिए, लेकिन इसने सी माना है, मिट्टल स्टोनिसिस होता है, मिट्टल वाल का जो नैरो हो जाना ही, उसके कारण से ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिससे डेथ हो जाती है। 38 क्वेश्चन। विच टेस्ट रिजल्ट शुड ए नर्स रिव्यू टू डिटरमाइन इफ द एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब फॉर द पेशेंट विल बी इफेक्टिव। इनमें से कौन सा टेस्ट है कि जो कि एंटीबायोटिक इफेक्टिव होगी नहीं होगी उसको बताता है? ए सीरोलॉजिकल टेस्ट, बी सेंसिटिव टेस्ट, सीरम ओस्मोलिटी टेस्ट और सेडिमेंटेशन रेट, यानी कि SR। तो इसमें होगा सेंसिटिव टेस्ट, क्योंकि जब भी हम कोई भी एंटीबायोटिक देते हैं उससे पहले हम उसका 0.1 ml ID लगाते हैं, और उसके बाद उसको मार्क कर देते हैं और सेंसिटिव रिएक्शन के लिए चेक करते हैं। जब करीब हाफ एन आवर के बाद उसको चेक करते हैं, वो एरिया, वहाँ का जो एरिया वो रेड हुआ मिलता है, या फिर ईचिंग या फिर वार्मनेस मिलती है, तो वो हमें वो ड्रग नहीं देनी है,
अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें वो ड्रग लगा सकते हैं। तो साइंसी टेस्ट इसका आंसर होगा 39 क्वेश्चन। सॉरी आपको थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था पीडीएफ में। 39 क्वेश्चन है, द कलर ऑफ सेंटर स्क्वायर इन द वैक्सीन वायल मॉनिटर इन ए वेल स्टेट पोलियो वैक्सीन शुड बी। जो हम वैक्सीन वायल मॉनिटर होता है ना, वीवीएम यूज करते हैं, तो जो पोलियो वैक्सीन होती है उसका सेंटर स्क्वायर यानी कि वीवीएम का सेंटर स्क्वायर किस कलर का होगा उसने पूछा है। तो ऑप्शन ए वाइट, बी वायलेट, सी ब्लू, डी पिंक। तो जो वीवीएम होती है उसका जो इस वायल मॉनिटर का जो स्टोर सेंटर पार्ट होता है वो वाइट कलर का होता है। जब उसका कलर वाइट कलर का होता है, अगर वो वाइट कलर चेंज होने लग जाता है तो वैक्सीन डिस्कार्डेबल हो जाती है, उसको हम फेंक देते हैं, उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो सेंटर पार्ट स्क्वायर वैक्सीन का कैसा होने वाला है, वाइट होने वाला है। वर्ल्ड हेल्थ डे को कब सेलिब्रेटेड करते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है। मार्च 1, अप्रैल 7, जुलाई 1, दिसंबर 1। यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे को हम 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, ब्रिस्ट इज कंपोज ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू ओनली, कनेक्टिव टिश्यू ओनली, एंड कनेक्टिव एंड फैटी टिश्यू एंड ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू। तो जो ब्रिस्ट होती है वो इसका राइट आंसर है डी, ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू। इसमें फैटी टिश्यू होता है और उस पर ग्लैंड्स पाई जाती है, डक्ट्स होती है, ग्लैंडुलर फैटी टिश्यू की बनी होती है ब्रिस्ट। 42 क्वेश्चन, मेजर सिम्टम ऑफ एन एड्स पेशेंट इज वेट लॉस, डायरिया, फीवर, ऑल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि सभी के सभी मेजर सिम्टम है सारे के सारे, वेट लॉस भी होता है, डायरिया होता है, क्योंकि डायरिया होता है तो ही वेट लॉस होता है, और फीवर रहता है उसको, हमेशा फीवर रहता है, ऑल सिम्टम्स। इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल। 43, द आइडियल वेट ऑफ एन एडल्ट पर्सन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। किसी भी एडल्ट पर्सन का वेट चेक करना है तो हम किसके बेसिस पे करेंगे, एज के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, हाइट के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग, डी, ऑल। तो हम इकोनॉमिक स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है, उसका वेट है किसी भी एडल्ट का, हमें हाइट के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट निकालते हैं। 44, रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग कोरोनरी हार्ट डिजीज इंक्लूड स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, सीरम कोलेस्ट्रॉल, ऑल। इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि सारे के सारे हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, सीरम कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी हार्ट डिजीज कोज करते हैं। एडल्ट की नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितनी होगी, 5 रेस्पिरेशन पर मिनट, 10 रेस्पिरेशन पर मिनट, 17 रेस्पिरेशन पर मिनट, 27 रेस्पिरेशन पर मिनट। इसका राइट आंसर होगा 17 रेस्पिरेशन पर मिनट। स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन के लेटर लीड टू, जो स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन होता है वो बाद में किसको लीड करेगा, टीबी को, लेप्रोसी को, रूमेटिक हार्ट डिजीज को और मलेरिया को। तो किसको कोज करने वाला है, रूमेटिक हार्ट डिजीज को, क्योंकि इसमें जो बीटा हिमोलाइटिक बैक्टीरिया होता है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज कोज करता है। बीटा हिमोलाइटिक के लिए हम हमेशा उसको एंटीबायोटिक पर रखते हैं, क्योंकि रूमेटिक हार्ट डिजीज कोज ना हो, और थ्रोट इन्फेक्शन से हमें बचा के रखना होता है इस पेशेंट को, फेरिंजाइटिस से बचा के रखना होता है। 47, ऑन एवरेज ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी वूमेन शुड गेन अबाउट डैश 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 केजी ऑफ वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक नॉर्मल हेल्दी वूमेन है जो प्रेगनेंसी के दौरान कितना वेट गेन करेगी, तो इसका आंसर देंगे 5 kg, 12 kg, 20 kg और 30 kg। तो राइट आंसर होगा 12 kg। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज, 300 किलो कैलोरी, 440 कैलोरी, 550 कैलोरी, 600 किलो कैलोरी। राइट आंसर होगा 300 किलो कैलोरी। चिकन पॉक्स इज कोज बाय, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स इज कोज बाय, तो इसका राइट आंसर होगा ए वायरस, क्योंकि वायरस से चिकन पॉक्स कोज होता है। BCG वैक्सीनेशन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, BCG वैक्सीन को किसके अगेंस्ट बचाने के लिए दिया जाता है, तो डीफनेस, TB, मैनजाइटिस या ऑल ऑफ द अबाउ। तो राइट आंसर होगा TB के अकॉर्डिंग, TB के अगेंस्ट बचाते हैं इसको। ओरल पोलियो वैक्सीन इज है, किस प्रकार की वैक्सीन होती है ओरल पोलियो वैक्सीन,
लाइव वैक्सीन होती है, किल्ड वैक्सीन होती है, और फ्रीज ड्राई वैक्सीन या रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। तो ये ओरल पोलियो होती है ना, वो लाइव वैक्सीन होती है, और जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है वो किल्ड वैक्सीन होती है। 52 हिपेटाइटिस ए वायरस इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू, हिपेटाइटिस ए का जो वायरस होता है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? ए फीकल रूट के, बी पैरेंटल, सी सेक्सुअल, और डी ब्लड। तो हिपेटाइटिस ए और ई ये दोनों फीको ए ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं, तो 52 का आंसर होगा फीको ओरल रूट। 53 क्वेश्चंस, डॉट्स इज रिलेटेड टू द डिजीज ऑफ, डॉट्स टीबी का ट्रीटमेंट के करने के लिए दिया जाता है। 54 डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड थ्रू, एडीज एजेप्टी के थ्रू फैलता है। ट्रोकमी डिजीज रिलेटेड टू आई, ट्रोकमा आई से रिलेटेड डिजीज है। 56 गोनोरिया इज ए डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू, तो गोनोरिया किससे फैलेगा? फूड से, सेक्सुअली से, नीडल प्रिक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो किससे फैलने वाला है गोनोरिया? सेक्सुअली। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, विटामिन ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो 57 का आंसर होगा कैटरेक्ट। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस होता है जो इंडिया में वो कैटरेक्ट है, और जो बच्चों में होता है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी, इन चिल्ड्रंस में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। और मोस्ट कम्युनिकेबल जो ब्लाइंडनेस कॉज करता है वो होता है ट्रोकोमा। तो देखिए दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो एडल्ट में मोस्ट कॉमन या फिर ऑल इंडिया जो मोस्ट कॉमन ब्लाइंडनेस कोज करता है वो कैटरेक्ट होता है, इन चिल्ड्रंस विटामिन ए एंड कम्युनिकेबल डिजीज वो ट्रोकोमा। तो यहाँ पर राइट आंसर कैटरेक्ट वाला है। तो 58 क्वेश्चन, द रेफरेंस प्रोटीन इज, प्रोटीन किससे मिलता है? मिल्क से, एग से, मीट से, फिश से, किससे ज़्यादा प्रोटीन मिलने वाला है? तो एग इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि एग से सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। 59 द अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड बाई एन इंडियन एडल्ट इज डैश डैश ग्राम प्रोटीन पर केजी पर बॉडी वेट। एक नॉर्मल एडल्ट के द्वारा कितना प्रोटीन नेसेसरी होता है, इसको कितना प्रोटीन ज़रूरी होता है? 0.5 ग्राम, 1 ग्राम, 5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 10 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उसने पर केजी पर बॉडी वेट, यानी कि एक किलो पे कितना ग्राम प्रोटीन होता है? एक किलो पे 1 ग्राम, यानी कि तो किसी का 70 किलो हो जाए तो 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। सेचुरेटेड फैटी एसिड्स आर ऑल एक्सेप्ट, सारे के सारे सेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं एक्सेप्ट, इसको छोड़ गए तो ओरिक, इसका पहले का है लोरिक, पाल्मिटिक, स्टेरिक और ओले। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने याद कहाँ तक कर लिया था? 60 क्वेश्चन चल रहा था, तो 60 क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ओलिक। ओलिक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स नहीं होता, बाकी सारे सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। 61 क्वेश्चन, द मिनरल दैट इज एसोसिएटेड विद एनीमिया इज, द मिनरल दैट इज एसोसिएटेड विद एनीमिया इज, ऐसा कौन सा मिनरल जो एनीमिया में जिसकी कमी हो जाती है? तो कैल्शियम होता है क्या, आयरन होता है, मैग्नीशियम या सोडियम, इनमें से राइट आंसर होगा आयरन। आयरन की वजह से एनीमिया हो जाता है, आयरन की कमी की वजह से एनीमिया होता है। 62 क्वेश्चन है, एज पर द मिड डे मील प्रोग्राम द मील सर्वड शुड सप्लाई एट लीस्ट, कितना मील का कितना हिस्सा टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट में दिया जाता है? 62 क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होने वाला है, तो इसका पहला आंसर है 1/3, सेकेंड है 1/4, थर्ड है 1/6 और 3/4। तो इसका आंसर होगा जो 62 का 1/3। 63 इमीडिएट ट्रीटमेंट एनाफाइलैक्सिस इज, एनाफाइलैक्सिस हो रहा है तो उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या होगा? एड्रेनालिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, हाइड्रोकोर्टिसोन, एट्रोपिन, इनमें से कौन सा एनाफाइलैक्सिस का इमीडिएट ट्रीटमेंट होगा? तो 63 का राइट आंसर होगा एड्रेनालिन। 64 क्वेश्चन, पीका इज, पीका क्या है? एसोसिएट विद पैरासाइटिक इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन बिटवीन 18 मंथ, यानी कि 18 मंथ टू 6th ईयर ऑफ एज। ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिशन सब्सटेंस रेगुलरली फॉर एट लीस्ट 1 मंथ, ऑल आर द करेक्ट। तो 64 का राइट आंसर होगा डी, ऑल आर द करेक्ट। 65 द मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इन विच वेस्ट इज डिस्पोज अलोंग विद द नाइट सोइल इज नोन एज। 65 क्वेश्चन के लिए, ए डंपिंग, बी टिपिंग, सी कंपोजिशन, डी इंसिनरेशन, इनमें से कौन सा मेथड होगा जो वेस्ट डिस्पोजल के लिए नाइट सोइल में यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी कंपोस्टिंग। टाइगर मॉस्किटोज, टाइगर मॉस्किटो, इनमें से टाइगर मॉस्किटो किसे कहा गया है? तो इसका आंसर होगा एडीज एजेप्टी को टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं।
67 लिंडेन इज, लिंडेन क्या है, डीडीटी, बीएससी, मेलाथियोन, फेंटियोन, तो लिंडेन इनमें से कौन सा है, तो लिंडेन है बीएचसी। जिंक फोस्फेज फोस्फाइड इज एन एफिशियंट, इसमें रोडेंटिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बैक्टीसाइड, डिसइंफेक्टेंट। जिंक फोस्फाइड को हम किसके रूप में यूज करते हैं, रोडेंटिसाइड के उपयोग में यूज करते हैं, तो इसका ए आंसर होगा। 69 इन नर्स मस्ट बी अवेयर दैट ईटिंग मेज, इन नर्स मस्ट बी अवेयर दैट ईटिंग मेज अलोन में लीड टू, किसको कोच करेगा, पेलेग्रा, और पेलेग्रा के जो 3 डी हो जाए, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डायरिया, तीन होते हैं जिसको पेलेग्रा के, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डायरिया, 3 डी। उसके बाद में 70 क्वेश्चन, दी ड्रग यूज टू टीबी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, जो ड्रग होती है वो टीबी के लिए यूज की जाती है सभी में एक्सेप्ट छोड़कर, डेप्सोन, रिफामसिन, इथाम्ब्यूटल, आइसोनियाजिड। 70 क्वेश्चन का आंसर होगा ए, डेप्सोन। उसके बाद में ये अलग सेक्शन है, वो 70 क्वेश्चन का अलग सेक्शन था, अब ये 30 क्वेश्चन का अलग से सेक्शन आया था जो कि मैथ रीजनिंग्स का है। अब इसमें देखते हैं, आपको मैं हिंदी में बताता हूँ इसके बारे में। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने PSB 11,336 करोड़ रुपए की मंजूरी, इसको मंजूरी दी है, मैं इनको आपको आंसर बताते चलूँगा क्योंकि ये करंट जी के क्वेश्चन आए थे, करीब 12 क्वेश्चन करंट जी के गए, तो इनका आंसर होगा 71 क्वेश्चन का आंसर होगा ए, जिसका 5। तो अगला है, किस कंपनी के साथ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने डिजिटल कौशल पर देश की युवाओं को, उद्यमियों को संयुक्त रूप से प्रशिक्षित करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर होगा फेसबुक ने। हाल ही में 7 सदस्यों ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली, जिनमें एक सोनल मान सिंह है, वे किस क्षेत्र से जुड़ी है, इसका आंसर होगा भारतीय शास्त्रीय नर्तक, किस तरह से। उसके बाद किस राज्य ने राज्य में इंफ्रा विकास करने के लिए डेवलपमेंट में सीमा दर्शन परियोजना के लिए 39 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, इसका राइट आंसर गुजरात। हाल ही में राजनाथ सिंह ने दुनिया के सबसे बड़े भारतीय वीजा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है, ढाका, बांग्लादेश में। इसका फिर अगला क्वेश्चन, कौन सा देश दुनिया भर में संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए 300 निम्न कक्षा के उपग्रह की प्रशिक्षण की योजना बना रहा है, राइट आंसर होगा चीन। किस बैंक के साथ भारतीय सेना ने रक्षा वेतन पैकेज पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, तो इसका राइट आंसर होगा SBI, क्योंकि SBI गवर्नमेंट बैंक भी, भारतीय सेना ने रक्षा वेतन का समझौता किया है। पुस्तक विनिंग लाइफ सोरो, थिंक एंड सक्सेस लाइफ गांगुली द्वारा लिखी गई है, किसने लिखी गई है ये बुक, तो इसका राइट आंसर होगा सी, अभिरूप भट्टाचार्य ने। 9 क्वेश्चन, निम्न से कौन सा हिंदी शब्द ढंग से नहीं लिखा हुआ है, इनमें से 3 शब्द हैं जो शब्द लिखे हुए हैं, कि इनमें से कौन सा शब्द है जो ढंग से, मतलब अच्छी तरीके से नहीं लिखा हुआ है, शुद्ध नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि सारी के सभी सही लिखे हैं। निम्न से कौन सा हिंदी शब्द सही ढंग से नहीं लिखा है, इसका राइट आंसर होगा डी, पुरानी। इनमें से कौन सा इंग्लिश का शब्द सही ढंग से नहीं लिखा हुआ है, या सही नहीं, अशुद्ध शब्द है, आप ये समझ सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा इंड्यूटिलाइजेशन, तो ये इंड्यूटिलाइजेशन गलत है, तो इसका 12वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी। तो 13 का इनमें से कौन सा शब्द सही नहीं लिखा है, तो 13 का आंसर होगा सी, लेथार्जिक। उसके बाद मानव जाति के इतिहास में निम्न से किस वर्ष में मानव ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था, सबसे पहले चंद्रमा पर कदम कब रखा था, 1969 में। ओजोन परत मानव के लिए आवश्यक क्यों है, क्योंकि वह सूर्य से आने वाली यूवी किरणों को चेंज करती है, मतलब आने की रोकती है। जो रेम होती है, तो रेम क्या होती है, रैंडम एसेस मेमोरी होती है रेम। निम्न से किस नदी को बिहार का सोरो, यानी कि बिहार का सोरो कहा जाता है, तो सबसे क्वेश्चन का आंसर होगा सी, कोसी नदी को। कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सा लेखक है, कौटिल्य में, तो इसमें 18 क्वेश्चन का आंसर होगा बी, अर्थशास्त्र। भारत की सबसे तेज ट्रेन को लॉन्च किया गया है, इसका आंसर होगा बी, T18 को। इनमें से कौन सा लुप्त संख्या है, तो लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए इसका आंसर होगा ए, 10 नंबर। अब देखते हैं, रुपयों का योग 12,500 की राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 15,500 ब्याज दर क्या होगी इसकी, तो इसका राइट आंसर होगा डी, 8.75। एक फल विक्रेता का सभी कुछ सेव है, वह 40% सेव बेचता है और अभी भी उसके पास 420 सेव है, मूल रूप से उनके पास कितने सेव हैं,
23 का होगा डी, 707। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें से 3 चौके, और 8 छक्के शामिल थे। विकेटों के बीच दौड़कर उन्होंने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत बनाया? तो इसका आंसर होगा ए, 45%। 6 वर्षों के लिए और 9 वर्षों के ब्याज दर की समान दर पर निश्चित राशि से अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? 25 का होगा सी, 2.3, 2.3। डेसीबल निम्न में से किसको मापने के लिए यूज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, ध्वनि स्तर को। निम्न में से कौन सा सबसे हल्का तत्व है? डी, हीलियम। निम्नलिखित में कौन अन्य से अलग है? 28 डी, साइकिल। 29 निम्न से विकल्प में से अनुसूल जी समीकरण के उपयुक्त का पता लगाएं, तो 29 का आंसर होगा डी। और 30 क्वेश्चन, जो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, यदि किसी विशेष कोड में नोएडा को 39658 लिखा जाता है, उसी कोड में इंडिया को क्या लिखा जाएगा? तो क्योंकि इसमें सभी वर्ड है उनके नीचे लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, 6363568। तो थैंक यू दोस्तों, ये आपका पेपर था, 70 क्वेश्चन से 30 मैंने पहले बना दिए हैं, उनको देखिएगा आप। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे, लाइक कीजिए, और आपके लिए और वीडियो भी लेते हैं लेके आएंगे। आपके लिए कट ऑफ क्या रहता है उसका, हम जो मैंने एम्स भटिंडा का वीडियो बनाया था उसकी कट ऑफ एग्जैक्ट गई थी, तो आपके लिए ऐसा ही वीडियो फिर लेके आएंगे कि आपको उम्मीद से निराश ना होना पड़े। और आप इसी प्रकार चैनल पर बने रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू दोस्तों।